बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसा आड़ू का जूस। तो इसके लिए आड़ू लिए हैं हमने 1.5 kg। इनमें कुछ मीठे हैं और खट्टे हैं, आड़ू हमने जो है वो मिक्स लिए हैं। और चीनी लेंगे हम 1 पाव। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीमू 1 और पानी इसके अंदर हम डालेंगे 3 लीटर। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बड़े वाले आड़ू, ये थोड़े मीठे हैं, इन्हें हम अलहदा कर लेंगे। और बाकी के जो आड़ू हैं इनकी हम कटिंग कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से मोटे मोटे काट लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने सारी कटिंग कर ली है। अब एक बर्तन लेंगे और इसके अंदर 1 लीटर पानी डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे कटे हुए आड़ू। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 लेमन का जूस। लेमन जूस डालने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे कवर करके पकाएंगे, ताकि आड़ू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। और ये जो हमने 2 आड़ू बचा के रखे थे, इनका हम छिलका उतारेंगे और इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हमने कर ली है। अब इन्हें एक प्लेट में डालेंगे और ऊपर से कवर कर देंगे। और फिर उसके बाद जो हमने आड़ुओं को ऊपर पकने के लिए रखा हुआ है, उन्हें चेक कर लेंगे कि वो गल चुके हैं या नहीं। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुके हैं, अब इन्हें और मज़ीद गलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक छलनी लेंगे और उसके अंदर ये पके हुए जो आड़ू हैं इन्हें निकाल लेंगे। तो अब हम चम्मच की मदद से इसे दबा दबा कर इसका सारे का सारा जो पल्प है इसे निकाल लेंगे। तो देखें यहाँ पर इसका सारे का सारा जो पल्प है हमने दबा दबा कर निकाल लिया, और ऊपर इसके फाइबर और छिलके रह गए हैं जिन्हें हम फेंक देंगे। और जो छलनी के नीचे पल्प लगा हुआ है उसे भी हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद इसे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे।
तो देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे आड़ू जिन्हें हमने पहले से ही चॉप करके रखा हुआ था। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाएंगे। तो देखिए 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो देखें हल्के हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, रूम टेम्परेचर पर इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसे 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखें 2.5 घंटे गुजर चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये देखें, देखने में ये कितना मज़े का लग रहा है, बिल्कुल ये ओरिजिनल है, इसके अंदर हमने कोई भी किसी किस्म का फ्लेवर नहीं डाला। तो अब इसे हम आपको ग्लास में डाल के दिखाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, बिल्कुल आड़ू के कलर जैसा है, ये ज़रा भी इसमें फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक बोतल में डालते हैं। और इसी तरह से आप भी कोई एयर टाइट बोतल ले लें और उसके अंदर डाल के उसे फ्रिज में रखकर 2 से 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही कितना ज़बरदस्त लग रहा है, तो ये पीने में कितना मज़े का होगा। अब हम बाकी का बचा हुआ बड़े गिलास में डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 kg से इसे तैयार किया है, तो ये कितना ज़्यादा बना है। अगर हम बाज़ार से लें तो ये कितना महंगा बनता है। तो कोशिश करें आपने इसे घर पर बनाना है, बाज़ार का नहीं ख़रीदना। तो आजकल आड़ू का सीज़न है और आड़ू महंगे भी नहीं हैं, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।